देखेंगे आम पसंद, हमने मश्क देखे, उसके बाद मश्क की पहली मिसाल आम कसर हमारे पास क्या है, ये एक बॉक्स है हमारे पास। इस बॉक्स के हमने कितने हिस्से किए, छह हिस्से किए। छह हिस्से करने के बाद कुल हमारे पास इस बॉक्स के छह हिस्से हैं। हमने क्या किए, इसके दो हिस्सों को रंगीन कर दिए। कितने हिस्सों को, दो हिस्सों को। तो हमारे पास कसर क्या बनी, एक दो तीन चार पाँच छ, कुल हमारे पास चीज है छ, जो नसब नुमा में लिखेंगे हम। तो छह हिस्सों में से हमने लिए दो हिस्से, यानी दो बटे छ, ये कसर बनी हमारे पास। क्या बनी, कसर दो बटे छ, यानी छ में से हमने दो हिस्से ले लिए। अब हमारे पास है ये दूसरी मिसाल, हमारे पास है एक मुसलस, हमने इस मुसलस के बराबर बराबर चार हिस्से किए। चार हिस्सों में से हमने कितने हिस्से लिए, एक हिस्सा। तो हमारे पास कसर क्या बनी, एक बटे चार। क्या बनी, एक बटे चार। ये एक बटे चार, ये चार में से एक हिस्सा। अब हमारे पास है तीसरी मिसाल, ये है एक दायरवी शक्ल, इसके हमने किए बराबर बराबर कितने हिस्से, आठ हिस्से। इसमें से हमने आठ हिस्सों में से एक दो तीन, तीन हिस्सों को रंगीन कर दिया। अब हमारे पास कसर बनी तीन बटे आठ, यानी कुल हिस्से आठ है, जिसमें से हमने तीन हिस्से ले लिए। कसर बराबर तीन बटे आठ। इस तरह हमने बच्चों देखे कि आम कसर किसे कहते हैं और मुरक्कब कसर किसे कहते हैं। बच्चों हमने देखे कि कसर का मफहूम क्या है, अब हम देखेंगे मुरक्कब कसर यानी क्या। इसमें हम देखेंगे मुरक्कब कसर में पहली मिसाल हमारे पास ये कितने लड्डू है, तीन लड्डू है। कितने लड्डू है, तीन। अब ये तीन लड्डू हमें दो लोगों में बराबर बराबर तकसीम करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो लड्डू है, ये लड्डू एक दो तीन, ये दो लोगों को एक एक लड्डू दे देंगे। क्या करेंगे, एक एक लड्डू दे देंगे दो लोगों को। एक एक लड्डू तकसीम करने के बाद ये जो तीसरा है हमारे पास, इस लड्डू को क्या करेंगे हम भाई, कैसे दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, दो हिस्सों में बराबर बराबर बांटेंगे। आधा इस शख्स को दे देंगे, आधा इस शख्स को दे देंगे। इन्हें इसे दे देंगे एक बटे दो, और इसे दे देंगे एक बटे दो। अब ये जो एक एक लड्डू हमने दिए पहले से, और ये और आधा आधा दिए, यानी डेढ़ लड्डू हो गया। ये तो डेढ़ जो है हमारे पास, यानी एक और आधा, इसे हम कसर की सूरत में लिखेंगे डेढ़ बराबर एक सही एक बटे दो। यानी एक शख्स को डेढ़ मिला, दूसरे शख्स को डेढ़ मिला, दोनों को बराबर बराबर लड्डू मिल गए। अब हमारे पास है दूसरी मिसाल, हमारे पास है ये बिस्किट, दो बिस्किट, ये तीन बिस्किट, चार बिस्किट, और ये पांच बिस्किट। अब ये जो पांच बिस्किट है हमारे पास, ये हमें
कितने लोगों में तकसीम करना है? ये पांच बिस्किट दो लोगों में तकसीम करना है, कितने में? दो शख्स में। तो हम क्या करेंगे, क्या दो लोगों को दो दो बिस्किट दे देंगे। अब बचा एक बिस्किट हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, क्या वो एक बिस्किट के दो हिस्से करेंगे, आधा और आधा, और इस शख्स को आधा दे देंगे यानी एक बटे दो, इस शख्स को आधा देंगे यानी एक बटे दो, आधा और आधा यानी दो और आधा कितना हो गया, ढाई। तो इस शख्स के पास हुआ दो सही एक बटे दो, और इस शख्स के पास हुआ दो सही एक बटे दो यानी ढाई, ढाई बराबर दो सही एक बटे दो, ये हमारे मुरक्कब कसर हो गई। अब हम देखेंगे इसके बाद हमारे पास है तीसरी मिसाल, हमारे पास चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट है, तीन चॉकलेट है, से हम दो लोगों में तकसीम करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो चॉकलेट है ये दो लोगों में बराबर बराबर दे देंगे, और एक चॉकलेट जो है उसको दो हिस्सों में बांटेंगे यानी ये होगी एक बटे दो, ये होगी एक बटे दो, एक को मिलेगी एक सही एक बटे दो यानी डेढ़, ये हो गई हमारी मुरक्कब कसर। तो डेढ़ बराबर एक सही एक बटे दो, एक को मिलेंगी एक सही एक बटे दो मतलब डेढ़, और दूसरे को डेढ़। तो बच्चों ये हमने देखे मुरक्कब कसर की मिसालें।